हेलो सभी साथियों को नमस्कार। आज फिर दोबारा मुझे मौका दिया है जन सरोकार ने अपनी पुस्तक है प्रस्तुति शिक्षकों से। गिरजू भाई की ग्रंथमाला की ये पुस्तक है और इसके लिए यहाँ चर्चा के लिए सभी लोगों को आमंत्रित किया है। और मैं इस शिक्षा जगत की इसके अपना प्रेरित कर सकता हूँ इस पुस्तक को पढ़ने के लिए। तो एक बार मैं सभी को ये पुस्तक साझा करूँ शिक्षकों से। ये पुस्तक गिरजू भाई बड़िका जी ने लिखी है, जिनके विषय में मैं थोड़ा सा 2 मिनट का परिचय देना चाहूँगा। इनका परिचय बाद में इस पुस्तक में क्या क्या किस हिसाब से लिखा हुआ है, और ये मैं पहले भी एक बार चर्चा कर चुका, दोबारा मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। इसका दूसरा चरण लिख ताकि मैं मेरे साथी लोगों को प्रेरित कर सकूँ कि वो इस पुस्तक को अवश्य लें। खासकर से प्राइमरी जो शिक्षक हैं, एक से 8 तक पढ़ते हैं, उन शिक्षकों से मेरा विशेष अनुरोध है कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर जो लिखा है उन्होंने वो बहुत ही बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखे उन्होंने लिखा है। और आज से 80 वर्ष पूर्व तक की जो बात थी वो मनोविज्ञान में ब्रह्मज्ञान आज भी आपको अपनी कक्षा कक्ष में देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पुस्तक बहुत सी आपकी जो मन में दुखताएँ हैं उनको शांत करेगी। उसके अलावा आप अपना जो प्रदर्शन है अपनी कक्षा का, जो उच्च कोटि का अपन गुणवत्ता स्तर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी प्राप्त करने में हम बहुत हद तक कार्य रहेंगे। तो आइए साथियों, इस पुस्तक पर हम चर्चा करने से पहले इनके कवि के विषय में, इनके लेखक के विषय में, गिरजू भाई बदेका जी ने ये पुस्तक लिखी है। 15 नवंबर 1985 को इनका जन्म सौराष्ट्र में हुआ था और ये उच्च शिक्षा प्राप्त करके बम्बई में कानूनी सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए थे दक्षिणामूर्ति वन में। लेकिन ये वहां उस पद पर ज्यादा दिन नहीं रहे, क्योंकि इनका मन में बल विज्ञान लेकर बहुत सी कठिनाई थी। शिक्षा को लेकर के ये बहुत जागृत थे, अपने देश में कुछ शिक्षा के लिए कुछ करना चाहते थे। तो इन्होंने 1920 में बाल मंदिर की स्थापना की, इन्होंने अपना एक निजी विद्यालय बनाया जिसका नाम था बाल मंदिर। ये गुजरात के भावनगर में, और बाल शिक्षण को लेकर के इनके शैक्षणिक प्रयोग साथी 1916 से 1936 के बीच में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी पुस्तकों का लेखन किया। इंद्रिय विकास के खेल इन्होंने इजाद किए। शैक्षिक भ्रमण तो हम की अवधारणा लेते हैं विद्यालय में, वो गिरजू भाई बदेका जी हैं। हाथ के काम अर्थात कला शिक्षा संबंधित जो हम अनुपयोगी सामग्री को उपयोगी प्रदर्शित लगाते हैं, इस तरह के काम, संगीत और रचनात्मक कार्य। इनका जो बाल संग्रहालय था उसमें जीवन रक्षा के जो उपयोगी पाठ थे वो पढ़ाए जाते थे, जीवन में उपयोगी। इसके अलावा ये शिक्षाविद भी रहे, चिंतक, विचारक, लेखक, इनको प्रयोगवीर शिक्षक कहा गया। बाल साहित्य के ये प्रणेता रहे हैं। गुजरात में उन्होंने 200 से अधिक बाल पोथी और माता पिता अभिभावकों के लिए भी उन्होंने बहुत सा साहित्य लिखा है। सबसे बड़ी बात इनकी यदि कि ये बच्चों की आजादी के प्रबल समर्थक थे। ये चाहते थे कि बच्चे आजादी जितने आजाद रहेंगे बच्चे स्वतंत्र से उतना ही अधिक सीख पाएंगे, ऐसा मानना था इनका। बहुत लाड प्यार से पढ़ाते थे, डांट डपट के ये बिल्कुल भी विरोधी थे। ऐसा इनका मानना था कि डांट डपट से बच्चे नहीं पढ़ते। मोंटेसरी पद्धति और बहुत सी पद्धतियों का इन्होंने अनुसरण किया। चरित्र निर्माण पर इन्होंने विशेष जोर दिया। बाल जो उच्च मानवीय गुण होते हैं, सत्य, अहिंसा, करुणा, स्नेह, आदर, दया, त्याग, परोपकार, ईमानदारी, सद्भाव, मैत्री, ये सब भाईचारा, परिश्रम, सहयोग, सहकार, इन सब के विकास के लिए इन्होंने बहुत अत्यधिक कार्य किया। अर्थात मानव में
उच्च जो गुण होते हैं उनको विकसित करने के लिए इन्होंने अपने जो बाल मंदिर था उस पर इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और हमारे शिक्षा जगत के लिए इन्होंने 14 पुस्तकें दी है, जिनका मैं एक बार नाम बता देता हूँ। दिवा स्वप्न इनकी लिखी हुई है, जो शिक्षा जगत के लिए बहुत ही श्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। शिक्षकों से, जिसका आप अभी चर्चा सुन रहे हैं, चलते फिरते शिक्षा, कथा कहानी, माता पिता से माँ बाप बनना कठिन है, माता पिता के प्रश्न, माता पिता की माथा पच्ची, ऐसे हों शिक्षक, बाल शिक्षण जैसा मैंने समझा, प्राथमिक विद्यालय में भाषा शिक्षण और प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पद्धतियाँ, इन सब विषय के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात कही है। और अंत में 23 जून 1939 को इनका देहांत हो गया, लेकिन ये इनके साहित्य से हमारे बीच में मौजूद हैं और हमें प्रेरित करते रहते हैं। बच्चों को, छोटे बच्चों को हम किस तरह से पढ़ाएं, किस तरह की गतिविधियां उनके साथ करें, किस तरह का व्यवहार हम उनके साथ करें ताकि वो बहुत अच्छे से सीख पाए। इस तरह की बहुत सा साहित्य इन्होंने लिखा है। तो साथियों, इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें और अपने जो अपना जो कर्म है उसको बहुत बेहतर बनाने का प्रयास करें। मैं इन्होंने इस पुस्तक में एक लेख के जैसे लिखा है, जिसको हम पाठ भी कह सकते हैं, एक पाठ दिया है, उसका कुछ शीर्षक दिया है और उसके विषय में एक पेज दो पेज लिखा है। तो पूरी पुस्तक में 40-41 के लगभग कंटेंट्स हैं। उनमें से मैं लगभग 24-25 को मैं पहले अचीव कर चुका था पिछले सेशन में, पिछली लाइव चर्चा में। मैं उससे आगे बढ़ता हूँ और कुछ जो बचे हुए हमारे 15 के लगभग कंटेंट हैं उन पर मैं अपनी छोटी छोटी बात रखूँगा और कहूँगा कि आप इस पुस्तक को अवश्य रूप से आप लेकर के की लाइब्रेरी में से लें। निवाई आप रहते हैं, टोंक रहते हैं, हर शहर में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की लाइब्रेरीज है, वहाँ से आप इसको लें और अध्ययन करें और अपने जो शिक्षण जो है उसको बहुत अच्छे से आप सुधार करें। और ख़ासकर से छोटे बच्चों के लिए बहुत ही कारगर ये पुस्तकें हैं। विशेष तौर से दिवा स्वप्न और शिक्षकों से ये दो पुस्तक तो मैं पढ़ने का आपसे विशेष अनुरोध करूँगा। चलिए हम शुरू करते हैं। मास्टर लक्ष्मी नारायण की परेशानी, ऐसा करके एक कंटेंट है इसमें 26 नंबर का। क्या होता है सर, इसमें गिजू भाई की और एक मास्टर साहब की चर्चा होती है, तो वो मास्टर साहब परेशान होते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जबकि गिजू भाई उनको एक संतुष्टिप्रद जवाब के रूप में ये देते हैं कि लड़के शैतानी क्यों करते हैं, क्लास में बच्चे शैतानी क्यों करते हैं, इसको लेकर के उनका एक मंतव्य है कि या तो उनको अच्छा नहीं लग रहा बच्चों को, या फिर वो जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसका वो तरीका उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, उनका मन नहीं लग रहा है कक्षा में और वो उनके रुचि का विषय नहीं है। तो यहाँ ये शब्द आता है रुचि का विषय। जहाँ रुचि का विषय होता है वहाँ बच्चे न तो कोई शैतानी करते हैं और न ही कोई इधर उधर की बातें करते हैं। अगर उनको रुचि से उनको कोई गतिविधि मिल जाती है तो वो बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। जैसे हमने पिछली चर्चा में बात करी थी कि बच्चे रंगों से बहुत प्रभावित होते हैं, हम उनको रंग बिरंगे सामग्री, रंग बिरंगे काम, रंगों के साथ उनको रखते हैं तो बच्चे टॉयलेट की छुट्टी लेना भी भूल जाते हैं। छुट्टी में भी वो ऐसा कहते हैं कि सर नहीं, हम तो अभी इसको पूरा करके जाएंगे, अब भी 5 मिनट रुकिए। तो उनका रुचि का विषय जरूरी होना चाहिए। तो इस बात का हम ध्यान रखें कि हम रुचि को, बच्चों की रुचि को जाने पहले। दूसरा आता है बेचारे मास्टर जी। गिजू भाई ने मास्टर जी के विषय में ऐसा लिखा है, बेचारे मास्टर जी शीर्षक का नाम है। वो बेचारे इसलिए कहा है उनको कि बेचारे इतने भोले होते हैं कि कौन इनके विद्यालय में आ रहा है, क्या जांच करने के लिए वो आ रहा है, उसको ये भी नहीं पूछते हैं कि आपका परिचय तो दीजिए, उसे बिना परिचय जाने ही वो उनसे घबरा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो दबाव में जो आते हैं शिक्षकगण, उसको इन्होंने स्पष्ट किया है कि अपने अधिकारी से डरे नहीं, बड़ी सभ्यता के साथ में, बड़ी शालीनता से उससे अपनी बात रखें
अपना परिचय दें और उनका परिचय प्राप्त करें। देखिए, इन्होंने शोषण के खिलाफ भी बोलने के लिए बहुत सी बातें रखी है कि जो स्वयं शोषित है वो दूसरों को शोषण की क्या शिक्षा दे सकता है। तो बेचारे जो मास्टर जी हैं उनको वो समझाते हैं, इस तरह की इसमें वार्तालाप दी गई है। अगला कंटेंट है शिक्षा अधिकारी जी के सपने। देखिए, शिक्षा शास्त्र को जो समझने वाला कोई अधिकारी आता है तो वो तो बहुत अच्छे से पेश आता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी ऐसे अधिकारी आ जाते हैं जिनको शिक्षण की समझ, शिक्षण मनोविज्ञान की या शिक्षण शास्त्र की समझ नहीं होती है, तो उनके उनकी वजह से कुछ थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो उनको क्लियर करने के लिए गिजू भाई जी ने एक पत्र लिखा है, अधिकारी जी का पत्र भी लिखा है, और उनसे जो अपेक्षाएं की है, कर्मचारी से जो अपेक्षा की है, शिक्षकों से जो अपेक्षा की है, और उनके जो कार्य कर्तव्य हैं वो भी इसमें बताए गए हैं। तो जब हम इसको पुस्तक को पढ़ेंगे तो साथियों, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ही आपको पत्र लगेगा कि उन्होंने किस किस बात पर अपनी बात रखी है और क्या क्या उन्होंने बताया है। क्या यह सही है? इसमें भी एक शिक्षक और एक छात्र की वार्तालाप आती है। तो आप विद्यालय क्यों नहीं आते? तो छात्र बोलता है कि मैं क्या करूं विद्यालय आके, वहां के शिक्षकों को तो पढ़ाना ही नहीं आता। तो गिजू भाई का माथा थोड़ा सा ठनक जाता है कि ये इस तरह 11 साल का बच्चा किस तरह की बात कर रहा है। तो उसको लेकर के उन्होंने बहुत अच्छा एक लेख लिखा है, उसको आप पढ़ेंगे तो संभवतः आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप भी ये बात मानेंगे कि छात्र का जो अनुभव है वो उसने कहा है और शिक्षक के विषय में कहा है, तो उसने जो देखा है उसको उसने कहा है, तो ये भी बहुत अच्छा मुख्य बिंदु है। आगे इम्पोर्टेंट एक बात आती है, चिढ़ाने वाला, ये भी शीर्षक है। हम अक्सर बच्चों को उपनाम से संबोधित कर देते हैं, तो उसे इन्होंने विरोध किया है बहुत पूरी तरीके से, ये जो भाई ने, जो हमारे आदर्श शिक्षा कि हम से उनसे दूरियां बढ़ती हैं, हम नज़दीकियाँ नहीं बढ़ा सकते, और नज़दीकियाँ बढ़ाना जरूरी है अगर बच्चे को कुछ सिखाना है। तो अगर हम उपनाम से बोलते हैं तो बच्चा हमसे दूर जाएगा, हमारे नज़दीक नहीं आएगा, इसलिए बच्चों को नाम बिगाड़ करके नहीं बोले, उनको उपनाम से भी नहीं बोले। एक अध्यापक जी, एक शिक्षक से बात होती है, किताब कॉपियां ड्रेस वगैरह इनका जो कमीशन शिक्षक प्राइवेट स्कूल्स की अलग, उसके संबंध में इन्होंने बहुत अच्छी सी बात कही है कि अगर हम शिक्षक बन गए तो शिक्षा निरंतर चिंतन करते रहना, मनन करते रहना ही, उसकी गहराई में उतरना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। अपना काम कर रहे हैं और खास तो किस शिक्षा तो बहुत ही मायने रखती है कि हम किसी के जीवन को संवारने के लिए इस क्षेत्र में आए हुए हैं, उसके जो रहस्य है, हम जब शिक्षक बन चुके तो हमें ये नहीं और दूसरे किसी व्यवसाय की ओर देखना है, हम कार्य को उसके लिए हमें निरंतर चिंतन मन कर चाहिए। बात की जो एक प्राइवेट शिक्षक से उनकी वार्तालाप होती है, वो नौकरी छोड़ देते हैं, फिर उनसे वो संतुष्ट रहते हैं, तो ये कि प्रेरणादायी जो उत्साही जो वातावरण है, वांछानुरूप जो वेतन है, जो सुविधाएं हैं, अगर वो शिक्षक को बेहतर तरीके से काम कर सकते सरकारी का हो। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है, ऐसी कहानी कहें, हम बच्चों को कहानी बहुत ज़्यादा करते हैं, बच्चे कहानी में इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चे कहानी से बहुत अधिक सीखते हैं, बच्चे कहानी से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी कहानी बच्चों से कहनी है और कौन सी कहानी बच्चों से नहीं कहनी है, इसका भी हमें अंदाजा रहना चाहिए। अर्थात हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी कहानी कहने जा रहे हैं और इस कहानी से मेरे बच्चों को क्या लाभ होने वाला है, इसका पता हमें पूर्व में होना चाहिए।
अच्छे से, अगर नहीं है तो हमको वो कहानी पहले पढ़नी चाहिए, उसके बाद में हम उस कहानी को अपनी कक्षा कक्ष में रखें। उसके अलावा गिजू भाई ने लिखा है कि एक बार ऐसा हुआ था, एक राजा था, उसके 7 रानियां थी, एक रानी बहुत प्रिय थी। तो ये सब 7 विवाह की परंपरा आज हमारे समाज में प्रचलित नहीं है, तो हमको इन इस तरह की वार्ता बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसी बातें करते हैं तो बच्चों में उलझन पैदा होती है, बच्चे ये कहीं ना कहीं अपनी बात को वो उलझने का ऐसा लगता है कि ये क्या क्या सुना रहे हैं सर। इसके अलावा भूत प्रेत इत्यादि की भी कहानियां हमको बच्चों में क्लासरूम में नहीं सुनानी चाहिए। दगाबाजी, चालाकी, धूर्तता, दुष्टता, ये जो चीज़ें हैं, ये जो बिंदु हैं, जिन कहानियों से ये सब निकल करके आ रहा है, उन कहानियों को हमको बच्चों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और भी विस्तृत से समझाया गया है कि जो भाई ने, इसमें आप जरूर पुस्तक पढ़ें। अर्थात हमको कहानी सोच समझ करके कहनी चाहिए और हमारी जो कथन शैली है वो अच्छी होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। एक गतिविधि का उन्होंने वर्णन किया है, डाक पेटी के नाम से गतिविधि उन्होंने रखी थी, जो डाक विधि लेखक लेखन और पाठन दोनों का विकास बहुत अच्छे से। अपने अनुभव की बात करें तो एक विद्यालय में, कीरो की झोपड़िया विद्यालय में, हमने अखबार, मेरे गांव का अखबार, इस तरह की गतिविधि संचालित की थी। तो जिन बच्चों की ड्यूटी वो समाचार लिखने की रहती थी, उनमें पहले से ही वो प्रेरित होते थे, बहुत जल्दी विद्यालय, समय से पहले विद्यालय आते थे, बोर्ड को सुव्यवस्थित जगह रखते थे, उसको साफ करते थे, उस पर अपना समाचार लिखते थे। तो ये जो उनके अंदर जो प्रेरणा आई, वो प्रेरणा अपनी दी हुई है, केवल उनकी रुचि का विषय बना दिया, उसको थोड़ा कर दिया, तो उनको लगा कि ये उनको काम बांट दिया सबको। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी के दिन बच्चे बहुत अच्छे से आते, सारे जो भी बच्चे आते वो भी उस ब्लैक बोर्ड को देखते कि आज क्या समाचार मिला है और कुछ नया समाचार देखने को। तो बहुत से बच्चे जिन पे पढ़ना नहीं आता था वो भी उसको पढ़ने का प्रयास करते थे। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम ऐसी छोटी छोटी गतिविधियाँ करते हैं तो बच्चे पढ़ने और लिखने को लेकर बहुत अग्रसर, बहुत आगे पहुँच पाते हैं। तो ये डाक पेटी उन्होंने अपनी एक गतिविधि है जिसका इसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, हम भी अपने विद्यालय में इसका। परीक्षा के विषय में इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, जो इनकी बात को मानता हुआ हमारा विभाग भी यहाँ तक पहुँचा है कि परीक्षा तो एक तरीके से ख़त्म ही होने जा रही है, कुछ तो हो गई, कुछ आगे हो जाएगी। अर्थात परीक्षा सतत रूप से चलनी चाहिए, ये मानना है गिजू भाई जी का, कि हम सतत रूप से जो हम CCSIQ में करते आ रहे हैं, जैसा कि एक कंटेंट हुआ और उसका हमने ले लिया, परीक्षा ले लिया, टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट लेते हैं, अर्थात इसी तरीके से सतत चलने वाली परीक्षाओं के पक्षधर रहे हैं। जिस तरह से परीक्षा का जो हावी होती है बच्चों के ऊपर, उनकी मनोदशा बदल देती है, तो उससे बच्चे दूर भागते हैं, पढ़ाई से भी दूर भागते हैं, और परीक्षा का ऐसा दबाव हो जाता है कि बच्चे कभी कभी तो बहुत सी बार तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इस चीज़ से दूर होने के लिए उन्होंने अपना ये बात रखी है कि हमको परीक्षा के परिणाम की तरफ ज़्यादा विशेष तौर से नहीं देखना है, परीक्षाएं सतत रूप से चलाती, अगर मान लीजिए वो सीख रहा है बच्चा तो उसके जीवन में आ जाएगी, वो चीज़ उसके व्यवहार में आ जाएगी, और व्यवहार में जो चीज़ आ गई उसकी परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे बात करते हैं, मारपीट का ज़माना गया, मारपीट का ज़माना बीत गया। पहले के शिक्षक मैंने सुना है कई कहते थे कि सोटा बाजे छम छम और विद्या आए घम घम, ऐसा था। ऐसा सर जी 10 साल पहले तक मैं भी यही मानता था कि हाँ, बिना मारे या बिना पीटे हम कुछ सिखा नहीं सकते। लेकिन जब से मैं शिक्षाविदों के संपर्क में आया हूँ, मेरे प्रेरणा स्रोत बहुत सारे जैसे अजिम प्रेम जी के सर हैं, आज हंसराज जी सर हैं, हंसराज जी तंवर जो किरोग झोंपड़िया में हैं, अभी जुड़े हुए हैं मेरे लाइफ में, उनका आशीर्वाद चाहूँगा, उनकी प्रेरणा से ही मैं आज इस जगह पहुँच पाया हूँ। अजिम प्रेम जी फाउंडेशन के जो लोग हैं, उनका मेरे पे बहुत स्नेह है, मेरी हर तरह मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों के जब हम संपर्क में आते हैं, तब मैं भी ये समझने लगा हूँ कि नहीं, पिटाई कुछ नहीं, पिटाई से तो बालक बिगड़ता है, पिटाई से बच्चा नहीं सीख पाता है।
जो काम हम प्रेम से करवा सकते हैं बच्चे से, वो काम हम पिटाई करके नहीं करवा सकते। तो बिल्कुल सही बात है, आप भी सब समझते हैं इस बात को कि कितना खतरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए बच्चों की पिटाई करना। तमाचा लगा देते हैं चमन को गिजू भाई साहब, तो गिजू भाई साहब जब तमाचा मारते हैं चमन को, तो उसके व्यवहार में ऐसा बदलाव देखते हैं वो, तो वो ये लिखते हैं कि सजा प्रेम से दे, सजा भी देना है तो प्रेम से देना, और उसके बाद में सजा देने के बाद में उसके प्रति जो हमारी प्रीति है वो कम नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रीति को हम बराबर बरकरार रखें। हमारे मन में कहीं ये नहीं से कि हम इसको सजा दिए हैं, हम इससे मन मुटाव रखें, नहीं, सजा दें प्रेम से दें, उसके भले के लिए दें, उसको ये बात समझा दें और फिर सजा दें, तो वो सजा लेने वाला भी उसको स्वीकार करेगा और दोबारा गलती करने का चांस नहीं रखेगा। परीक्षा परिणाम, एक माठ साहब की भी इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, उन्होंने कहा है कि जो शिक्षण शास्त्र है वो अध्यापक के लिए कामधेनु के समान है, अर्थात अपने शिक्षण शास्त्र का ज्ञान अध्यापक को बुरी तरीके से होना, पूरी तरीके से होना चाहिए। और इसके साथ में ही उन्होंने प्रेम की बात को जोड़ते हुए कहा है कि हमें तत्काल किसी भी चीज का, किसी भी छात्र को दंड नहीं देना चाहिए, तत्काल मन को शांत करना चाहिए, विचार करना चाहिए और फिर उसको दंड निर्धारित करना चाहिए कि मैं इसको क्या दंड दूं, तब जा करके उसको दंड देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शिक्षक होता है वो सबसे बड़ा गुण होता है उसमें धैर्यवान होता है शिक्षक। अगर शिक्षक के अंदर धैर्य नहीं है, लिखने पढ़ने वाला नहीं है, तो इस बात को नहीं समझ पाए। बच्चों के साथ जब हम संवाद करते हैं तब भी हमको बहुत से धैर्य रखने पड़ते हैं। और मैंने आज ही एक स्काउटिंग से एक ज्योति नाम की पत्रिका निकलती है, मैंने उसको पढ़ा है आज, उसमें एक लेख था धैर्यवान शिक्षक, उसमें बहुत अच्छे से समझाया था वो बात, मैं आपको बता रहा हूँ कि धैर्य अगर हम अपने वाद विवाद में, बच्चों के संवाद में, बात रखने में अगर हम धैर्य खो देते हैं तो परिणाम बिल्कुल विपरीत हो जाता है। और अगर हम धैर्य रखते हैं, अगर किसी ने गलत भी कर दिया हमारे साथ, तो अगर फिर भी हम धैर्य से उस बात को सुनते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो कुछ समय बाद में वो बहुत हमारे पॉजिटिव हो जाता है। परीक्षा परिणाम को लेकर के इन्होंने बात करी कि परीक्षा परिणाम ज़्यादा विशेष मायने नहीं रखता है, परीक्षा परिणाम से बाह्य दृष्टि का विकास होता है, बच्चे तुलना करना सीखते हैं, क्या सीखा और कितना सीखा, क्या लिखा, ये परीक्षा परिणाम का आधार होता है। गिजू भाई कहते हैं कि परीक्षा परिणाम से अभिमान भी आता है और परीक्षा परिणाम से छात्र निराश भी होते हैं, तो परीक्षा परिणाम को इस तरह बनाया जाए कि वो सतत रहे, लगातार रहे और सीखता भी रहे और वो परिणाम भी उसको मिलता रहे, जो हम आज की शिक्षा पद्धति में देखते हैं, कर रहे हैं। इसके बाद में गिजू भाई ने गृह कार्य के विषय में भी कुछ कहा है। हम अब तक ये मानते आ रहे थे, जब तक ये पुस्तक हमने नहीं पढ़ी थी, कि गृह कार्य रोज देना चाहिए, बच्चे को जरूर देना चाहिए और हम देते भी रहे हैं, खास करके एक लाइन छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को कुछ ज़्यादा, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, अगर आपने ठीक से पढ़ा दिया क्लास में तो गृह कार्य देने की आवश्यकता ही नहीं। अच्छी बात है, जब उसको लेख को हम पढ़ेंगे तो ये बात भी हमारे समझ में आएगी कि वास्तव में गिजू भाई कितना अच्छा बता रहे हैं। जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ रटने पर बल नहीं दिया जाता है, ये कहते हैं कि अच्छे से पढ़ा दिया तो बच्चा आत्मसात कर लेता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, वो सीख जाता है, फिर उसकी परीक्षा लेने की भी आवश्यकता नहीं है और उसको गृह कार्य देने की भी आवश्यकता नहीं है। इसे कहते हैं स्वैच्छिक काम, जिस काम को करने में छात्रों को आनंद महसूस हो उस काम को आप बच्चों को दे दीजिए, वो उनके लिए स्वैच्छिक काम है, आप अर्थात किसी को काम को थोपे नहीं। देखिए, मैं बच्चों से मिट्टी के खिलौने बनवाता हूँ, ए प्रेयर सेशन खत्म होने के बाद में इंटरवल तक का हमारा वो महीने में एक दिन का ऐसा होता है कि मिट्टी के खिलौने बच्चे बनाते हैं। अब मिट्टी के खिलौने जब वो सुबह प्रार्थना सत्र के बाद में और जब तक वो डेढ़ घंटे दो घंटे का काम करते हैं,
मजाल अगर एक भी छात्र ये उठ करके कह दे कि मुझे टॉयलेट जाना है या मुझे पानी पीने जाना है, क्योंकि वो उनकी रुचि का विषय है, उसमें उनको वो स्वतंत्रता पूर्वक काम करते हैं, वो उनकी इच्छा हो जो खिलौना बनाते हैं, उनकी इच्छा हो जो नाम रखते हैं, उनकी इच्छा हो जैसा वो कलर करते हैं, तो उनकी जो स्वतंत्रता का कार्य है उसमें वो बहुत ही तन मन से करते हैं। और उनका मानना है कि जो कार्य स्वेच्छा से किया जाता है, गिजू भाई सिंह कहते हैं कि जो कार्य स्वेच्छा से किया जाता है तो उसमें शरीर की जो हमारी तमाम शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती है, और जो जब हम जबरदस्ती किसी काम को बच्चों के ऊपर थोपते हैं तो वो इंद्रियां सुस्त हो जाती है और वो उसका काम में मन नहीं लगता है और उस काम में गुणवत्ता नहीं आती है। तो हमें ये विशेष तौर से शिक्षक के नाते हमको ये ध्यान रखना है कि किस किस तरह की रुचि वाले काम बच्चों को अच्छे लगते हैं, और हमारे खास करके अलग अलग विषय अलग अलग स्कूल और अलग अलग अध्यापक का अलग अलग अपना तरीका होता है, अपने छात्रों के अनुरूप वो देखें कि किस रुचि का कार्य मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, उसी रुचि के अनुसार अपनी कंटेंट को उसमें डाल करके पढ़ाने का प्रयास करें। आगे प्रेम की आज्ञा, गिजू भाई जी कहते हैं कि प्रेरित करके कार्य में लगाओ, स्वयं सीखने दो, और समस्या उनको मिलती है उस पर प्रेम से बैठ करके हल करो, बच्चे को डांटना झिपटना नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चा हमारे व्यवहार से दूर हो जाता है, बच्चा हमसे दूर भागने लगता है, और ये काम अगर होने लग गया तो फिर हम सफल शिक्षक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बच्चे से तो हमको नज़दीकियाँ बढ़ानी है, बच्चे के तो अंतरंग में हमको उतरना है, तभी हम बच्चे को कुछ सिखा पाएंगे। और अंतिम आर्टिकल इन्होंने लिखा है कक्षा में, जो एक प्रतिज्ञा के तौर पर है, जो हम देखते हैं कि हमको कक्षा में जाने से पहले हमारे क्या दायित्व हैं, कक्षा में रहते हुए हमारे क्या दायित्व हैं, और कक्षा से काम कर फिनिश करने के बाद में जब हम आते हैं तब हमारे क्या दायित्व हैं, तो उन्हीं दायित्वों को लेकर के इन्होंने अपनी इस पुस्तक में के अंतिम पेज पर एक प्रार्थना लिखी है प्रतिज्ञा के रूप में, और प्रार्थना भी वो शिक्षकों से कि सभी शिक्षक इस बात का ध्यान रखें। उस प्रार्थना को मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, पढ़ के पूरे एक शब्द में आपको सुनाता हूँ। मैं कक्षा में प्रसन्नचित होकर जाऊँगा, सबसे पहली बात शिक्षक को ध्यान रखनी है कि मैं कक्षा में प्रसन्नचित होकर जाऊंगा। विद्यार्थियों के नमस्कार को प्रेमपूर्वक स्वीकार करूंगा, उनके बीच बैठूंगा और उनकी खैर खबर लूंगा। मैं अपने विद्यार्थियों के कपड़ों, उनकी आंखों, नाखूनों को देखूंगा और उन्हें साफ कराऊंगा। इसके बाद मैं सबको कहूंगा कि अब आओ हम आंखें बंद करके शांतिपूर्वक बैठें। उस समय मैं एकाध भजन गाऊंगा या फिर एकाध कहानी कहूंगा। हंसते हंस मुस्कुराते हुए मैं विद्यार्थियों से कहूंगा कि अगर तुम लोगों ने अपने पाठ तैयार नहीं किए हों तो अब कर लो, और जिन विद्यार्थियों ने अपना काम कर लिया है मैं उनका काम जांचने के लिए, काम करने वाले बालकों को मैं दूसरे बालकों को समझाने के लिए भेज दूंगा, उन बालकों का काम ले लूंगा, उनको जांचूंगा, और जिन बालकों का काम मैंने लिया है उन बालकों को, निम्न स्तर के बालकों का या जिन बालकों ने काम नहीं किया है उन बालकों को मोटिवेट करने के लिए मैं उनको भेज दूंगा। जब सबों का काम पूरा हो जाएगा तो हम साथ साथ खेलेंगे और फिर सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे और अपने घर को जाएंगे। ये प्रार्थना गिजू भाई साहब ने हम सब शिक्षकों से भी की है और हमको करना भी चाहिए। इसके अलावा गिजू भाई साहब का एक लेख है जो मैंने आज 10 वर्ष पहले पढ़ा था, और वो लेख मेरे दिमाग में, दिलो जैन में आज भी वो बराबर गूंजा है। अध्यापक और छात्रों के बीच अगर हृदय का रिश्ता नहीं है, अगर हृदय का रिश्ता नहीं जुड़ा है, स्थायी आत्मिक संबंध नहीं बता है, अगर वे एक दूसरे के विचार और भावनाओं की दुनिया में नहीं बैठ सकते हैं, एक दूसरे के मन में होने वाली हलचल को वो अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो इसके बिना वह भावनात्मकता नहीं आ सकती जो एक शिक्षक के उच्च आत्मिक स्तर का अभिन्न अंग है। साथियों, मैं इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आपको कितना प्रेरित कर पाया ये तो आप लोग ही जाने, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे जो हिंदुस्तान के ही बहुत अच्छे शिक्षाविद हुए हैं गिजू भाई जी बद्दे का, इन्होंने हमारे शिक्षकों के लिए बहुत सा साहित्य लिखा है, अभिभावकों के लिए भी बहुत सा साहित्य लिखा है। आपको जब भी समय मिले और आपकी पढ़ने लिखने की रुचि हो तो आप अवश्य इस पुस्तक को पढ़ें। अंत में मैं अपनी बात, मैं भी, मेरे भी कुछ विचार हैं शिक्षकों से कहने के लिए।
उन्हीं विचारों के साथ मैं इस लाइव सेशन का समापन करूंगा। साथियों, सबसे पहले तो हमें उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमें मनुष्य बनाया, और मनुष्य बनाने के बाद में भी हमें ऐसे कुल खानदान में उत्पन्न किया और हमें शिक्षक का व्यवसाय कहें हम तो ये सौभाग्यशाली व्यक्तियों को मिलता है। गुरुपद ऐसा पैसा हमें हाथ लगा। हम यहाँ आकर के हम हमारे बच्चों के विषय में थोड़ा सा सोच लें, हम उनके जीवन में प्रकाश भर दें, क्योंकि एक कोटेशन है इंग्लिश की, कहा है गॉड मेक ए मैन बट वी मेक ए जेंटलमैन। ईश्वर तो मानव बनाता है लेकिन सही अर्थों में हम उसे सभ्य मनुष्य बनाते हैं। बिल्कुल सही कोटेशन मेरे विद्यालय में, दहलोद विद्यालय में ये मुझे मिली थी। मैं पढ़कर के गदगद हो गया कि वाह क्या कोटेशन लिखा है। इसके अलावा साथियों, हम उस परमपिता की संतान है, हमारा काम है अंधेरे में प्रकाश देना। हम शिक्षक जगत के सारे साथी मिलकर के चाहे तो हम इस चमन को बहुत उजियारा, बहुत खिलारा, हरा भरा बना सकते हैं। जरूरत है छात्रों से जुड़ने की, छात्रों के साथ मन से जुड़ करके काम करने की। तो इसी के साथ मैं एक छोटा सा एक मेरा प्रेरक गीत है, उस गीत के साथ में मैं अपनी लाइव चर्चा को समापन की ओर ले जाता हूँ। शब्द भजन भी कह सकते हैं आप उसको, प्रेरक गीत भी कह सकते हैं। ध्यान चाहूँगा। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, तूने दिया है मुझको ये मन जिसमें छुपा के रख दिया है ये मन, तूने दिया है मुझको ये तन जिसमें छुपा के रख दिया है ये मन, तन की तो खोली आँखें मन की भी खोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। नमस्कार साथियों, आप सभी साथी जुड़े, आपने मेरा हौसला बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजिम प्रेम जी फाउंडेशन के देवेंद्र जी सर को और सभी साथियों को जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया, और धन्यवाद सभी साथियों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े। और आगे भी मैं आपके लिए कुछ चर्चाएं, इस तरह का जो भी आदेश रहेगा आप लोगों के लिए उपस्थित होता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपने लाइव चर्चा का समापन करता हूँ। धन्यवाद।